समस्तंकु स्वागत आज भूगोल कालांश को समस्त विद्यार्थी मान सुस्वागत एवं अभिनंदन। आम गत कालांश वायुमंडल संबंधे आलोचना करें। आज आम वायुमंडल संबंधे किसी कथा जानवा पाने आम जानवा जे आमर चतुर्पार्श को आमर चारिपटे वायु एक स्तर ढांकी रही। आम चतुर्पार्श को वायु एक स्तर वायु एक आवरण ढांकी रही। आमर चतुर्पार्श को वायु एक स्तर ढांकी रही। आम कौन कहे ना वायुमंडल आम चतुष्पार्श्वे घेरी रही वायु को आम कहे वायुमंडल। अर्थात आम जो बास करे पृथ्वी पृष्ठ में आम पृथ्वी पृष्ठ चतुर्पार्श्वे वायु एक आवरण रही वायु एक स्तर रही। स्तरटा आम चतुर्पार्श्व को गोटे ढांकी रखी वायु स्तर तेणु यह कहती वायुमंडल। यह कौन कह वायुमंडल भूपृष्ठ आम पृथ्वी पृष्ठ 1600 किलोमीटर उच्चता पर्यंत 1600 किलोमीटर उच्चता पर्यंत व्यापी पृथ्वी पृष्ठ। पृथ्वी पृष्ठ 1600 किलोमीटर उच्चता पर्यंत व्यापी रही वायुमंडल गोटे अधे किलोमीटर नुह। तेणु वायुमंडल केते पर्यंत व्यापृत बा विस्तृत लाभ करी ना वायुमंडल आम पृथ्वी पृष्ठ 1600 किलोमीटर उच्चता पर्यंत विस्तृत। आम बंची रही निश्चित आम वायु आवश्यक वायु बिना आम बंची पारा ना। वायु सबुति दरकार गोटे बेलून वायु रही गोटे घरे वायु रही। आम श्वासक्रिया वायु आवश्यक श्वासक्रिया ना मनीष मरीज जीवजगत ध्वंस पाई मनीष मरीजे जीवजंतु मरीजे श्वासक्रिया समस्त वायु आवश्यक। तेणु श्वासक्रिया निमित्त वायुमंडल एकांत आवश्यक रही। तेणु आ गोटे कथा आम जाना जे वायुमंडल आम श्वासक्रिया एकांत आवश्यक। मनीष जन्म होती तेणु मनीषपाई पशुपक्षी श्वासक्रिया वायुमंडल एकांत आवश्यक रही। तेणु वायुमंडल नथिले श्वासक्रिया करिबा असंभव ही पड़ो। तेणु आम वायुमंडल एकांत आवश्यक कौन रही ना आम समाज पाई आम समस्त आम जीवजगत वायुमंडल आवश्यकता रही। तेणु मुख्यतः वायुमंडल कौन पर दरकार हुए ना श्वासक्रिया श्वासक्रिया नक आम नष्ट अर्थात आम बची पार ना। श्वासक्रिया वायुमंडल एकांत आवश्यक रही। यही वायुमंडल तापमात्रा सबु जगार सामान ना। वायुमंडल तापमात्रा आम सबुआ सामान देखा यार घनत्व तार सांद्रता एवं यार चाप वायुर जो चाप तार घनत्व के बहल रही वायुटा वायुर तापमात्रा है ठंडा कि गरम तापमात्रा कहते वायुमंडल तापमात्रा वायुमंडल घनत्व एवं वायुमंडल चाप सबु स्थान सामान ना। तेणु आम वायुमंडल विभिन्न स्तर रही। बर्तमान मु तुमको बर्तमान गोटे चित्र देखा वायुमंडल स्तर पृथ्वी पृष्ठ वायुमंडल स्तर यहाँ पृथ्वी पृष्ठ प्रथम रहा ट्रपोस्फीयर ये तापर स्ट्राटोस्फीयर तापर रहा मेसोस्फीयर स्तर तापर थर्मोस्फीयर स्तर तापर एक्सोस्फीयर स्तर। प्रथम स्तर वायुमंडल रहा ट्रपोस्फीयर द्वितीय स्तर है स्ट्राटोस्फीयर तृतीय स्तर है मेसोस्फीयर चतुर्थ स्तर है थर्मोस्फीयर एवं पंचम स्तर है एक्सोस्फीयर। तेणु आम वायुमंडल विभिन्न स्तर तुम मैंने देखा वायुमंडल विभिन्न स्तर ये चित्र देख तुम्हें वायुमंडल विभिन्न स्तर कथ आलोचना कर चित्रटी को आम देखने जापर आम बही को देखा आम भूगोल बही वायुमंडल स्तर चित्र रही। बर्तमान आम देखा पृथ्वी पृष्ठ पृथ्वी पृष्ठ प्रथम स्तर है ट्रपोस्फीयर
तापर टिके उच्च स्तर को स्ट्राटोस्फियर तापर मेसोस्फियर तापर थर्मोस्फियर तापर एक्सोस्फियर ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एवं एक्सोस्फियर वायुमंडल सब स्तर स्तर तेणु वायुमंडल स्तर आम जानले वायुमंडल को विभिन्न स्तर में विभागीकरण विभाजन कर प्रथम स्तर है ट्रोपोस्फियर द्वितीय स्तर स्ट्राटोस्फियर तृतीय स्तर मेसोस्फियर चतुर्थ स्तर थर्मोस्फियर एवं पंचम स्तर एक्सोस्फियर यहाँ वायुमंडल स्तर आम जाना ये जो वायुमंडल वायुमंडल क्या को नहीं गठित होता है प्रथम जाना ना जबखारजान अम्लजान अंगारकाम्ल जबखारजान अम्लजान अंगारकाम्ल आदि को नहीं आम वायुमंडल गठित होता है। वायुर मुख्यतः दुईट उपादान रही वायुर मुख्यतः दुईट उपादान रही जबखारजान अम्लजान जबखारजान अम्लजान वायु दुई मुख्य उपादान जबखारजान अम्लजान जबखारजान अम्लजान वायु दुईट मुख्य उपादान आनान्य वायु रही वायु रही तेरे मुख्य उपादान कहवा ना जबखारजान देखा चित्र बर्तमान ये चित्रटे देख जबखारजान वायुमंडल स्तर अठस्तरी शतकड़ा एवं अम्लजान एक शतकड़ा अन्न्य गैस एक शतकड़ा जदि वायुमंडल को आम शहे शतकड़ा ना तो जबखारजान अठस्तरी शतकड़ा अम्लजान एक शतकड़ा अन्न्य गैस एक शतकड़ा रही है। जबखारजान अठस्तरी शतकड़ा अम्लजान एक शतकड़ा अन्न्य गैस एक शतकड़ा जबखारजान परिमाण अठस्तरी भाग अम्लजान भाग एक भाग एवं अन्न्य गैस भाग मात्र एक परसेंट आनान्य बास्तु मध्य कौन कौन रोच अंगारकाम रोचे उर्जान रोच आर्गन रोच जेनन इत्यादि बास्त अम्ल अंगारकाम्ल उर्जान आर्गन जेनन अंगारकाम्ल उर्जान आर्गन अन्न्य गैस कौन अन्न्य बास्त कौन अंगारकाम्ल आर्गन आर्गन जेनन जेनन अला ऊर्जा अंगारकाम्ल ऊर्जा अंगारकाम्ल ऊर्जा आर्गन और जेनन ये सब अन्न्य बास्तु मध्य जामाण के वायुमंडल मात्र गोटे शतकड़ा अंगारकाम्ल भाग देते ना अंगारकाम्ल भाग 0.03 भाग या मध्य ये जो अन्न बास्तु मध्य अंगारकाम्ल आसा ना 0.03 भाग अंगारकाम्ल रही 0.03 भाग तापर देखा जे अंगारकाम्ल भाग मात्र 0.03 भाग जबखारजान कौन कर ना जीवजगतर अभिवृद्धि साहय कै जीवजगत रही जीवजगतर अभिवृद्धि जबखारजान ही साय कै आउ एक कथा आम जाना वायुर उच्चता वृद्धि संगे संगे वायुर घनत्व व सांद्रता वृद्धि पाई सरी वायुर उच्चता जिते बढ़ी बढ़ी जीव वायुर घनत्व से कमी कमी जीव उच्च जिते ऊपर को आम जा वायुर घनत्व कमी 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 जीव समुद्र पतन में वायुर घनत्व सर्वाधिक आम जो समुद्र पतन देखुचे समुद्र पतन में वायुर घनत्व सर्वाधिक किंतु पर्वत शिखर में यह बहुत कम समुद्र पतन में वायुर घनत्व सर्वाधिक किंतु पर्वत शिखर में मुझे जिते आम उपरकूर को उठी उठी जा वायुर घनत्व से कमी कमी जीव जिते आम उपरकू उठी उठी जाते वायुर घनत्व कमी कमी जीवार आम अनुभव करवा तेणु समुद्र पतन में वायुर घनत्व सर्वाधिक एवं पर्वत शिखर में यह बहुत कम तेणु पर्वत रही मान पर्वत आरोहणकारी मैंने कौन करती से जोबले पर्वत आरोहण करती से सहित अम्लजान थी सांगे नहीं था से सहित अम्लजान थी सांगे नहीं था आउ गोटे कथा जाना ना जो वायुटा प्रवाहित होता है वायु प्रवाहित होगा पवन कहते वायु प्रभाव अनुजाई पवन दिग निर्माण कराए जो दिग्वर पवन
बहुत आए से दिग को से अनुसार आम पवन नामकरण करें उत्तरा पवन उत्तर दिग्वर पवन बोलते कह उत्तरा पवन दक्षिण दिग्वर पवन बोलते दक्षिणा पवन पश्चिमा पवन पूर्व पवन ये सब आम कह प्रवाहित हो दिग्क प्रवाहित होयु कौन कहती पवन कहत तेणु जो दिग्वर पवन कहे से अनुसार आम तर नाम कर उत्तर दिग्वर पवन बहुत आम उत्तरा पवन कह दक्षिण दिग्वर जो पवन बहुत आम कह दक्षिणा पवन तेणु पवन रामकरण के दिग अनुसार कराए पवन रामकरण दिग अनुजाई निर्णय कराए आम तेणु वायुमंडल संबंधे अनेक तथ्य आज जाने मोट संक्षेप में कहवाक गले बर्तमान सारांशा कहूँ वायुमंडल संबंध में आम कौन जाने आमर चतुर्पार्श को वायु एक स्तर ढाकी रही वायुमंडल कह जाए यह भूपृष्ठ रु 1600 किलोमीटर उच्चता पर्यंत विस्तृत यही जो वायुमंडल वायुमंडल कौन पर दरकार ना आम श्वासक्रिया वायुमंडल आवश्यक रही वायुमंडल तापमात्रा वायुमंडल घनत्व वायुमंडल चाप आदि सबुठार सामान था वायुमंडल को विभिन्न स्तर में विभक्त कर गोटे ट्रपोस्फीयर गोटे स्ट्राटोस्फीयर आ गोटे मेसोस्फीयर आ गोटे थर्मोस्फीयर एवं एक्सोस्फीयर पृथ्वी पृष्ठ वायुमंडल स्तर विभिन्न भाग में विभाजन करोटी विभाजन कर ट्रपोस्फीयर स्ट्राटोस्फीयर मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर एक्सोस्फीयर तेणु आउ कौन कर वायु क्या गठित मुख्यतः ना केतक बाष्प और धूलिकणा को नहीं वायु गठित होता है जब खराजान अम्लजान अंगारकामल आदि केतक वायु केतक अंश वायु मिशी था जब खराजान अम्लजान अंगारकामल इत्यादि केतक बाष्प को नहीं वायु गठित होता है वायुर मुख्यतः दुईट उपादान थाए वायुर मुख्यतः दुईट उपादान थाए कौन कौन जब खराजान अम्लजान कारण ना जब खराजान 78% था एवं अम्लजान 21% था एवं अन्यान्य ग्यास अन्यान्य बाष्प वायुमंडल 1% था अन्यान्य बाष्प मध्य अंगारकामल उजान आर्गन एवं जेनन इत्यादि अन्यतम तेणु केवल अंगारकामल परिमाण वायुमंडल 0.03 बा 0.03 भाग केते ना अंगारकामल परिमाण वायु कौन जब खारजान बर्तमान देखा वायु में जब खारजान कार्यक्रम वायु में जो जब खारजान रही जीवजगत अभिवृद्धि में साय कर आ गए कथा मुझे ना वायुर उच्चता वृद्धि संगे संगे वायुर घनत्व कमी कमी जाए आम जिते ऊपर को जीवा आम से वायुर घनत्व सांद्रता को आम कौन करवा बहुत अल्प अनुभव करवा समुद्र पतन में वायुर घनत्व सर्वाधिक समुद्र स्तर में समुद्र पतन किंतु पर्वत शिखर में पर्वत शेष सीमा सबुठ उच्च पर्वत पर्वतर पर शिखर देश में वायुर घनत्व बहुत कम तेणु पर्वत आरोही माने पर्वत आरोहण लाई मैंने कौन करती ना जितेबाड़ पर्वत आरोहण करने को जाती से सहित अमरजान थी सागर नहीं था कारण से वायुर घनत्व सबुठ कम आउ गोटे कथा आम आलोचना कले ना प्रवाहित होता वायु को पवन कह जाए वायुटा जो प्रवाहित करवा चल प्रचल कै वायु चल प्रचल नहले कौन पवन हम हमन आम बेले बेले कहूँ आज पवन ना जमा अर्थात वायु से चल प्रचल हुए ना जितने वायुटा चल प्रचल होता है गति करते कौन कहते पवन कहते प्रवाहित होता वायु को आम पवन कही था जो दिग्वर वायु प्रवाह होता जो दिग्वर वायुटा आसुए प्रवाह हुए गति कै से अनुसार से पवन रामकरण करता उत्तरा पवन एवं दक्षिणा पवन जो दिग्वर पवन बहे से अनुसार आम तार नामकरण करेणु समस्त को पुणि थे अभिनंदन स्वागत समस्ते मन दे शुणुच बर्तमान तुम्हें मैने आज जो वायुमंडल विषय में आलोकपात कली ताको आम समस्ते मन दे पढ़ा परवर्त कालांशर आम जैवमंडल सम्बन्धे आलोचना करवा आजपाई समस्त को पुणे साधुवा समस्त को धन्यवाद रोची।